योगी का बड़ा एक्शन, सदमे में मुख्तार खानदान। कल तक माफिया मुख्तार की जमीन, अब गरीबों का बना आशियाना। बुलडोजर बाबा पहले भू माफियों की हेकड़ी निकालते हैं, फिर उनका बुलडोजर एक्शन में आकर गैर कानूनी संपत्तियों को मिट्टी में मिलाता है, ताकि गरीबों को उनका हक, उनका अधिकार मिल सके। जिनकी जमीन छीनी है उनको भी हक मिल सके। ऐसी ही एक बेशकीमती जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था। उसके दो मकान वहां बने हुए थे। ये जमीन आजादी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की है। कागजों में इस पर मुख्तार की मां का नाम दर्ज था। जी हां, आपको बता दें कि मैं बाद में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे की बात सामने आने पर इन मकानों को गिरा दिया गया। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करा रहा है। इससे गरीबों के आशियाने का सपना पूरा होगा। प्रदेश में अन्य जगहों पर भी माफियाओं की कब्जे वाली जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी के हजरतगंज स्थित डौलीबाग वीवीआईपी कॉलोनी में मुख्तार का घर था। मुख्तार अंसारी जब जीवित था तो यहां आकर रहता था। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी के यहां स्थित एक मकान को लेकर भी विवाद है। इस मकान में अफजल का पूरा परिवार रहता है। इस मकान के अवैध निर्माण का केस हाईकोर्ट में जारी है। इस पर कभी भी निर्णय आ सकता है। वहीं डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर कर मुख्तार ने अपनी माँ के नाम ये जमीन करवा दी थी। इस मकान के ठीक सामने उन्होंने अपने बेटों के लिए निष्क्रांत जमीन पर दो मकानों का निर्माण कराया था। निष्क्रांत जमीन शत्रु संपत्ति की ही तरह होती है। जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी जो जमीन भारत में बची है वह निष्क्रांत होती है। ये सरकार की संपत्ति होती है, मगर दस्तावेजों में हुई हेरफेर के जरिए जमीन मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम करवा दी थी। योगी सरकार आने के बाद जब इस संबंध में जांच शुरू हुई तो पूरा मामला फर्जी पाया गया। इसके बाद इस जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। जनवरी 2020 के लगभग ये मकान ध्वस्त किए गए थे। माफिया की कब्जा की हुई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना बनाई थी। इसके तहत लखनऊ के डौलीबाग में भी इस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 3 महीने में पूरा घर जो है निर्माण होगा, और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस जमीन पर अगले 3 महीने में निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद डूडा के जरिए चयनित शहरी गरीबों में से चुनिंदा लोगों को लॉटरी के माध्यम से घर अलॉट किए जाएंगे। लगभग 76 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण बहुत बेहतरीन हो रहा है। जल्द ही आवंटन शुरू कर दिए जाएंगे। लखनऊ की सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक है डौलीबाग। इस कॉलोनी में मुख्ता अधिकारियों, नेताओं और वीवीआईपी लोगों के आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 वीआईपी गेस्ट हाउस भी यहां हैं। हजरतगंज शहर का दिल माना जाता है। अब यहां मात्र 7.5 लाख रुपए की कीमत पर 300 स्क्वायर फीट के करीब का फ्लैट मिल सकेगा। इसके लिए आय सीमा 3 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस 7.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी होगी। मतलब ये मकान गरीबों को 5 लाख में ही मिल पाएगा। जी हां, माफिया अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीन पर बनाए गए फ्लैट 30 जून 2023 को गरीब जनता को सौंपे गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट की चाबी लाभार्थियों के हवाले की थी। प्रयागराज के लुकरगंज में अतीक अहमद द्वारा गैरकानूनी तरीके से हथियाई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाए गए थे। वहां भी 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया था। वहीं फ्लैट मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए कब्जे वाली जमीन को सीज कर दिया गया। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाकर इन्हें गरीबों को देने का फैसला किया। लॉटरी प्रणाली के तहत ये फ्लैट लोगों को आवंटित किए गए थे। 9 जून 2023 को आवंटन की प्रक्रिया हुई थी। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।